हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। फ्रेंड, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL में वैकेंसी आई हुई है। इसके शॉर्ट नोटिफिकेशन को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम टोटली नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। क्या क्वालिफिकेशन है, एज रिलैक्सेशन में आपको कैटेगरी वाइज क्या फायदा मिलने वाला है, सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो मैं NPCIL की ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ। यहाँ पर यदि करेंट रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट्स की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हो सेकेंड नंबर पर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टिपेंडी ट्रेनी टेक्नीशियन भी, जो कि ITI स्टूडेंट्स की पोस्ट है। नेक्स्ट यहां पर डिप्लोमा स्टूडेंट्स की पोस्ट मिल जाती है आपको, स्टिपेंडी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट टेक्नीशियन भी। देन यहां पर मिल जाती है आपको साइंटिफिक असिस्टेंट सी की पोस्ट। तो सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज से दोस्तों फॉर्म फिल होना भी स्टार्ट हो चुका है 27 जून 2019 से। इसके लास्ट डेट की यदि बात करें दोस्तों, तो यहां पर आपकी 11 जुलाई 2019 इसकी लास्ट डेट है। यहां पर ऑनलाइन लिंक एक्टिव हो चुकी है, तो फॉर्म फुल की वीडियो में आप लोगों को बाद में लेकर आऊंगा कल, लेकिन आज यहां पर एडवर्टाइजमेंट को फुल डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सिंपली क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई की लिंक प्लस आपकी इस PDF की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी है, वहां से जाकर आप चाहें तो इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें इस वैकेंसी की, तो ये मद्रास ऑटोमिक पावर स्टेशन की वैकेंसी है, कांचीपुरम यानी कि कल्पक्कम में, तमिलनाडु में आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी यदि आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हो। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लोग देख सकते हो क्लियरली दिया गया है। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली चलते हैं। यहाँ पर आज से फॉर्म फिल होना स्टार्ट है, 11 जुलाई आप लोगों की लास्ट डेट है, ऑनलाइन आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। देखिए सबसे पहले वैकेंसी की बात करें तो ITI स्टूडेंट्स की जो टोटल वैकेंसी है वह 42 वैकेंसी है। डिप्लोमा स्टूडेंट्स की टोटल वैकेंसी की बात करें 25 वैकेंसी है। नेक्स्ट यहां पर मिल जाता है सेफ्टी सुपरवाइजर की ओनली 1 पोस्ट है। यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ITI स्टूडेंट्स यानी कि स्टिपेंडी ट्रेनी टेक्नीशियन बी पोस्ट की। यहां पर एज पर कैटेगरी पोस्ट को डिवाइड किया गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो सबसे पहला पोस्ट है हमारा प्लांट ऑपरेटर, इसमें 11 पोस्ट है। यदि इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की दोस्तों बात करें तो HSC Plus 2 आप लोगों के पास में होना चाहिए, लेकिन यहां पर आप लोगों को क्लियर होने चाहिए नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, यानी कि आप लोगों के साइंस सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में 50% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए। सेकंड इन्होंने बोला है कि माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र स्तर की परीक्षा में कम से कम एक विषय आपका इंग्लिश होना ही जरूरी है। यदि आप ये क्वालिफिकेशन रखते हो तो आप प्लांट ऑपरेटर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेकंड यहां पर ITI स्टूडेंट्स की काफी सारी ट्रेड हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एवं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, ड्राफ्टमैन, प्लंबर एवं कारपेंटर। यहां पर नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हो। सभी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की दोस्तों यदि बात करें तो यहां पर आप लोगों के पास SSC यानी कि 10th क्लास पास होना चाहिए। यहां पर भी सेम है, आपके मैथमेटिक्स एवं साइंस में 50% अंक से कम नहीं होना चाहिए, प्लस आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन जो भी आप लोगों का ट्रेड है। लेकिन यहां पर ध्यान उन स्टूडेंट्स को देना है जिनकी 1 ईयर की ट्रेड है, जैसे कि वेल्डर आप देख सकते हो, वेल्डर का जो टाइम ड्यूरेशन होता है आपका 1 ईयर सर्टिफिकेट होता है, तो उनके लिए क्या है 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। यदि आपने फिटर, मशीनिस्ट या फिर अदर ट्रेड से, इलेक्ट्रीशियन से ITI की है, तो आपके लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। यहां पर किन स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, जिन स्टूडेंट्स की ट्रेड 1 ईयर की है, तो यहां पर आप देख सकते हो 2 वर्ष से कम की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI पाठ्यक्रम की अवधि की व्यवसाय की अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद कम से कम 1 साल सुसंगत कार्य अनुभव होना चाहिए। यदि उन्होंने अप्रेंटिसशिप भी की है तो वो भी ये लोग इंक्लूड करते हैं एक्सपीरियंस में, तो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हो वेल्डर ट्रेड के लिए, अन्य ट्रेड के लिए कोई जरूरत नहीं। यदि आप फ्रेशर स्टूडेंट्स हो, ITI ओनली पास है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो हो गई आप लोगों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात। अब यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए यहाँ पर फुल फॉर्म सारा कुछ दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो प्लांट ऑपरेटर पोस्ट जो है उसकी यदि डिसेबिलिटी देखी जाए तो कौन कौन से स्टूडेंट फिल कर सकते हैं जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, OL और HH स्टूडेंट यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन में OL, HH फिल कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपनी जो है फिजिकल हैंडीकैप्ड की डिसेबिलिटी देखिए, देन यहाँ पर अपनी पोस्ट को देखिए क्या आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं, उसके बाद जो है आप अप्लाई करिएगा।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं एज लिमिट की, स्टिपेंडी ट्रेनी टेक्नीशियन भी यानी कि आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। देखिए दोस्तों आपकी जो एज को काउंट किया जाएगा वह 7 जुलाई 2019 से काउंट किया जाएगा और जो आपकी एज लिमिट रखी गई है वह 18 टू 24 ईयर्स रखी गई है यानी कि 18 से 24 वर्ष। अब यहां पर कैटेगरी वाइज आपको कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि एससी और एसटी कैटेगरी के लिए यहां पर 5 ईयर की छूट दी गई है। यदि आप ओबीसी नॉन क्रमिल ईयर से बिलोंग करते हो तो 3 ईयर की छूट आप लोगों को मिल जाएगी एंड PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो 10 ईयर्स की छूट मिल जाएगी। यदि आप PWD कैटेगरी में आते हो और आप SC कैटेगरी से हो तो 15 ईयर की छूट है। यदि आप PWD कैटेगरी में हो और आपकी जो कास्ट है वो आपकी OBC नॉन क्रमिल ईयर में आती है तो वहां पर आपको 13 ईयर की छूट मिल जाती है। कुछ यहां पर एक्स सर्विसमैन के लिए भी छूट दी गई है एज लिमिट में, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है यहां पर ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। जैसे ही दोस्तों आप यदि क्वालिफाई करते हो रिटर्न टेस्ट को, आपका सिलेक्शन सक्सेसफुल तरीके से हो जाता है तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि आपको 2 ईयर की ट्रेनिंग पर रखेगा NPCIL और उस ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइफंड की यदि बात करें तो फर्स्ट ईयर जो आपकी स्टाइफंड रहने वाली है वो दोस्तों 10,500 रुपीस प्रति माह आपको दिया जाएगा। सेकंड यहां पर 12,500 रुपीस दिया जाएगा। देन उसके बाद आपका यहां पर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि अत्यधिक योग्य मामलों में इकाई के प्रधान द्वारा उपरोक्त शारीरिक मानदंड में छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर मैं उन स्टूडेंट्स को क्लियर करना चाहूँगा जिनकी हाइट कम है, तो मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों आप अप्लाई कर दीजिए, बाद में जो है आपको ले लिया जाता है यदि आप रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करते हो। यहाँ पर देखिए चयन प्रक्रिया के दौरान निष्पादन के आधार पर ही PWD अभ्यर्थी को शारीरिक मानदंड में छूट दी जाएगी, तो उनको तो शारीरिक मानदंड में जो है दोस्तों छूट दी ही जाएगी जो PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब दोस्तों यहां पर बात करें आपकी ग्रेड की, पे बैंड की या ग्रेड पे एंड अदर अलाउंसेस की क्या क्या आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा एज पर गवर्नमेंट रूल आपको सारी फैसिलिटीज यहां पर दी जाएगी, लेकिन 2 ईयर्स आपकी यदि जो आपकी ट्रेनिंग है उसको सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट कर लेते हो देन आप जो है 7th पे कमीशन में आओगे और यहां पर आपकी जो वेतन है 21,700 रुपीज प्रति माह हो जाएगी। बाकी आपको सारी फैसिलिटीज एज पर गवर्नमेंट रूल दी जाएगी। दोस्तों बात करें यदि ट्रांसफर स्थानांतरण की, तो यहां पर आपको उसी प्लांट में मद्रास परमाणु बिजली घर कल्पक्कम में नियुक्त किया जाएगा। यदि NPCIL चाहेगा तो आप लोगों को ट्रांसफर दे सकता है, आप उन पर दावा नहीं कर सकते हो। सिलेक्शन मेथड की बात कर लेते हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देखिए इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। जो IT स्टूडेंट्स हैं उनका जो सिलेक्शन होगा वो 3 चरणों में होगा। अब उन 3 चरणों में क्या होगा, चरण फर्स्ट एवं सेकंड आपकी लिखित परीक्षा होगी, रिटन टेस्ट होगा यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, और दूसरा आपका एडवांस टेस्ट होगा। यदि थर्ड स्टेज की बात करें, थर्ड स्टेज में आपका प्रैक्टिकल यानी कि ट्रेड टेस्ट होगा, आपके ट्रेड से रिलेटेड, जो कि आपका गो एंड नो गो बेसिस का होगा। आप यहां पर देख सकते हो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इन द रिटन टेस्ट फॉर इनकरेक्ट आंसर, आपकी नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर रहने वाली है। क्या नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है उसके बारे में भी हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर बोला गया है कि सेकंड चरण परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की चयनित सूची बनाने के लिए संविदा यानी कि स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब ये स्क्रीनिंग परीक्षा क्या है, सबसे फर्स्ट जो आपका एग्जाम होगा वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, देन उसके बाद आपका सेकंड एग्जाम होगा जो एडवांस टेस्ट होगा जो कि आपके ट्रेड से रिलेटेड होगा। अब देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट एग्जाम में आपका क्या क्या आने वाला है। फर्स्ट परीक्षा में आपका गणित, विज्ञान एवं सामान्य जागरूकता के क्वेश्चन होंगे। समय की बात करें एक आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा और क्वेश्चन की बात करें टोटल आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर है। अब यहां पर आपके प्रत्येक क्वेश्चन का 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। यदि आप गलत आंसर लगाते हो वहां पर आपका 1 मार्क्स काटा जाएगा यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहां पर आप लोगों की रहने वाली है। अब दोस्तों बात करें यदि क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड की, जो आपका फर्स्ट एग्जाम होगा उसका क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड आपका क्या होगा। जनरल कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है, एससी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स लाना यहां पर अनिवार्य है। यदि दोस्तों आप इन मार्क्स को नहीं ला पाते हो तो आपको सेकंड परीक्षा का जो काउंटिंग नहीं की जाएगी यानी कि सेकंड परीक्षा का आपको मौका नहीं मिलेगा। क्लियर है। अब बात करें यदि देखिए चरण फर्स्ट में अर्हता प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को अपने संबंधित
सुविधा में प्रगत परीक्षा देनी होगी। यानी कि जो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी कि एज पर कैटेगरी जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, उतने मार्क्स यदि आप फर्स्ट एग्जाम में लेकर आते हो तो आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा क्वालिफाई कर जाओगे। देन उसके बाद आपको सेकेंड यानी कि एडवांस परीक्षा, एडवांस टेस्ट देने का मौका मिलेगा। क्लियर है? अब यहां पर एडवांस टेस्ट की बात करें तो यहां पर आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यदि टोटल क्वेश्चन की दोस्तों बात करें, टोटल क्वेश्चन आप लोगों के यहां पर भी 50 मल्टीपल चॉइसिस क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब ये 50 मल्टीपल चॉइसिस क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे इसके बारे में आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ये आपके 10th लेवल के क्वेश्चन होंगे प्लस आपके ITI लेवल के क्वेश्चन होंगे। यानी कि ITI से मैक्सिमम यानी कि जो आप लोगों की ट्रेड है उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर। अब यहां पर भी कुछ क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड की बात करें तो ये क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है, लेकिन आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि जो आपका एडवांस टेस्ट है उससे आपका टोटल मेरिट बनेगा। यानी कि IAS पर मेरिट आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो डिपेंड करेगा कि आपके एडवांस टेस्ट में कितने मार्क्स आए हुए हैं। तो आप लोगों को फोकस करना है सेकंड एडवांस टेस्ट के ऊपर, लेकिन फर्स्ट टेस्ट को क्वालिफाई करना भी बहुत जरूरी है। क्लियर है? अब यहां पर दोस्तों 8 नंबर के कॉलम पर आप लोगों को बहुत ही ध्यानपूर्वक ध्यान देना है। यहां पर उन्होंने क्या बोला है, अभ्यर्थियों को एक ही दिन में प्रारंभिक परीक्षा और प्रगत परीक्षा देनी होगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि NPCIL आपको दोनों परीक्षा के लिए अलग अलग बुलाया जाएगा, एक ही टाइम में आप लोगों की परीक्षा होगी। यानी कि प्रातःकाल सत्र में आपका प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगा, देन उसके बाद आपका एडवांस परीक्षा हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग बोलेंगे कि सर हमको क्वालिफाइंग का कैसे पता चलेगा, क्या हम फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाई हुए देन? तो यहां पर आप लोगों को ध्यान दीजिएगा क्या होगा, यदि आप फर्स्ट प्रातःकालीन परीक्षा देते हो, सेकंड परीक्षा देते हो, तो सबसे पहले आपकी जो चेकिंग होगी आपकी OMR बेस्ड कॉपी की, वो आपकी होगी फर्स्ट स्टेज की। यदि आप फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आपने जो एडवांस परीक्षा दी है उसकी आपको चेक नहीं किया जाएगा, वहां से आप बाहर हो जाओगे। यानी कि वो आपकी सीट को चेक ही नहीं किया जाएगा, उसके रिजल्ट को ही डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। क्लियर है? तो आपकी एक ही दिन में दोनों परीक्षा होनी है, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्किल टेस्ट की बात करें तो स्किल टेस्ट दोस्तों आपका गो एंड नो गो बेसिस के आधार पर होने वाला है। यानी कि या तो आप स्किल टेस्ट में क्वालिफाई होगे या फिर डिसक्वालिफाई होगे, इसका कोई अदर मार्क्स आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। यही कुछ बेसिक डिस्कस है। अब बात कर लेते हैं हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की, तो इसके बारे में बात करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी आप रिटन टेस्ट दीजिए, क्वालिफाई होगे, देन उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो बात की प्रोसेस है। ट्रेवलिंग अलाउंस की बात कर लेते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है SC ST कैटेगरी के लिए। तो यहां पर देखिए क्लियरली उन्होंने बोला है कि लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा, फिर भी लिखित परीक्षा हेतु बाहरी स्थानों से आमंत्रित तथा केंद्र, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र संगठन, निगम, स्थानीय सरकार, पंचायत में ना नियोजित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र की प्रति के साथ यदि वो मूल यात्रा टिकट यानी कि ओरिजिनल अपने टिकट को प्रस्तुत करते हैं तो वहां पर आपका निकटतम मार्ग का आने जाने का द्वितीय श्रेणी का किराया आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेकंड पोस्ट यानी कि स्टिपेंडी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट भी की। तो यहाँ पर 25 टोटल पोस्ट हैं, इसमें मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, सिविल सभी की यहाँ पर पोस्ट हैं। यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन देख सकते हो। देन यहाँ पर फिजिक्स वालों की भी वैकेंसी है, केमिस्ट्री वालों की भी वैकेंसी है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। दोस्तों स्टिपेंडी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट बी की यदि एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 18-25 ईयर्स रखा गया है। एंड रिलैक्सेशन की बात करें तो सेम रिलैक्सेशन दिया गया है एज पर कैटेगरी, एज पर इंडियन गवर्नमेंट रूल। क्लियर है? अब यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ पर 18 मंथ का डिप्लोमा स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग होगी, इसमें आपको 18 मंथ की टोटल ट्रेनिंग रहेगी। अब यहाँ पर फर्स्ट वर्ष यानी कि आपका जो पहला वर्ष होगा उसके लिए आपको क्या है, 16,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। सेकंड वर्ष जैसे ही आपका लगेगा 18,000 रुपए प्रतिमाह आप लोगों को दिए जाएंगे। शारीरिक मानदंड सेम रखा गया है दोनों के लिए, तो इसका विशेष ध्यान रखें। एंड यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बॉन्ड एग्रीमेंट, इसकी ओर विशेष ध्यान रखें। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पूरा करने और मद्रास परमाणु बिजली घर में तथा या न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की कोई अन्य संगठक इकाई में सेवा करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में 4.5 वर्ष की अवधि हेतु सेवा बंद
पत्र निष्पादित करना आवश्यक होता है। यहाँ पर ध्यान रखिए, प्रशिक्षण के दौरान और बाद में उन्हें रात दिन पारी में कार्य करने की आवश्यकता भी होगी, तो इस बात का बॉन्ड की ओर विशेष ध्यान दें जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं। देन यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में सारा कुछ बताया गया है। यहाँ पर सेफ्टी सुपरवाइजर की ओनली वन पोस्ट है दोस्तों। सो आशा करता हूँ इस नोटिफिकेशन को आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यदि इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो NPCIL की ऑफिशियल वेबसाइट अप्लाई ऑनलाइन की लिंक सभी कुछ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से जाकर आप डायरेक्टली देख सकते हो। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यदि आपने स्पेशल टेक्नो एंड्रॉयड एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कराई है, वहां से जाकर एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां पर भी सारा कुछ जॉब अपडेट आप लोगों को मिल जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।